कुछ मिनटों में साबित करता हूं कि सृष्टि में कोई महिला शाकाहारी हो ही नहीं सकती। आज इस बनारस के इस एफएम के कार्यक्रम में आने के लिए मैं तैयार हो रहा था, आपकी तरह मेरे घर में भी एक मृदुभाषिनी है, बोली बहुत इतरा रहे हो कि बहुत इतरा रहे हो कवि सम्मेलन में जा रहे हो, रस्ते में कुछ अनाप शनाप मत खाना, कि बहुत इतरा रहे हो काशी जा रहे हो, रस्ते में कुछ अनाप शनाप मत खाना और अपना धर्म भ्रष्ट मत कराना। मैंने कहा रे भाग्यवान तू शाकाहारी हो गई क्या, मैंने कहा रे भाग्यवान तू शाकाहारी हो गई क्या, वो बोली मैं तो जन्मजात शाकाहारी हूँ, वो बोली मैं तो जन्मजात शाकाहारी हूँ, बस आपके अत्याचार की मारी हूँ। मैंने कहा रे भाग्यवान राम के पहर तो झूठ मत बोले, मैंने कहा रे भाग्यवान सुबह सुबह तो झूठ मत बोले, सारा दिन मेरा भेजा खाती है कि सारा दिन मेरा भेजा खाती है, दिन भर मेरा खून पीती रहती है और ऐसे में खुद को शाकाहारी कहती है, ऐसे में खुद को शाकाहारी कहती है, ऐसे में खुद को शाकाहारी कहती है। कवि सिर्फ उसे देखता है, उसके भावों को शब्द रूप देता है और लोगों को बांच करके सुना देता है। आप में और हम कवियों में बस यही अंतर है साहब, वरना ताजमहल एक है और उस ताजमहल को देखने वालों का नज़रिया अलग अलग है, सिर्फ नज़रिए का खेल है। ताजमहल को देखकर एक शायर कभी कहता है कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। दूसरा शायर उसी ताजमहल को देखकर कहता है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। एक तीसरा शायर देखता है ताजमहल को तो वो उसका नजरिया बिल्कुल बदल जाता है, वो कहता है वो शहंशाह भी, दौलत भी और मोहब्बत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। वरना साहब इस दुनिया में प्यार और सच्चे प्यार की तो बिल्कुल भी कदर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मनीष मधुकर जी भी अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, मोहित हुए, प्रेम के वशीभूत होकर बोले कि डार्लिंग मैं भी तुम्हारे लिए ताजमहल बनवाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भैया कब बनवाएंगे, कहीं तू ही लेट कर रही हो वरना प्लाट रजिस्ट्री हो गई है, बस जल्दी मरो। एक बार जोरदार ताली बजाइए मनीष। अरे बैठे रहो इधर सरक ले। देखिए क्या जमाना आ गया है, मेरी एंट्री पे भी लोग सीटी बजा रहे हैं। बनारस में कुछ भी हो सकता है, आप रंग बिरंगा पहन के ही तो सीटी है बजी माली। मैं तो इसी डर से दुपट्टा रख के नहीं आया दमदार। ये दमदार बहुत दमदार व्यक्तित्व का आदमी है, मेरा छोटा भाई है, बहुत प्यार करता है। ये इधर उधर की बातें कर रहा था, इसकी सारी बातों पे विश्वास मत करिएगा। ये कह रहा था दिल्ली के आदमी है, पुलिस के आदमी है, बिहार के आदमी है। मैं बता दूं विशुद्ध साहब, न मैं दिल्ली का आदमी, न बिहार का आदमी, न पुलिस का आदमी, मैं विशुद्ध अपनी घरवाली का आदमी हूं। अब ये दमदार कहते रहते भैया सुरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी पत्नी पे कविता लिख लिख के पद्मश्री हो गए, आप भी दो चार कविताएं पत्नी पे लिख लो, कम से कम भाग्यश्री तो हो जाओगे। मैंने कहा दमदार मैं पत्नी पे कविताएं नहीं लिखता, कविताएं कागज पे लिखता हूं। पत्नी पे तो दो ही कविता लिखी थी फिलहाल, दोनों स्कूल गए। ये धीरे धीरे चुटकियों की बात होती रहेगी। बहरहाल कविता का विद्यार्थी हूँ, शायरी करता हूँ या फिर हंसाता हूँ, दोनों काम करता हूँ। जीवन में अलग अलग रंग में जीता हूँ। चार पंक्तियाँ कविता के विशुद्ध पढ़ के फिर आपको हंसाऊंगा, गुनगुनाऊंगा। आप तमाम प्रबुद्ध लोगों को जोड़ना चाहता हूँ अपने से कविता से। मैं कहना चाहता हूँ कि डूब के डूब के डूब के डूब के डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूँ मैं। वाह। कि डूब के डूब के डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूँ मैं, प्यार मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूं मैं। कि प्यार प्यार मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूं मैं, और तू पारस है मैं पत्थर हूं। कि तू पारस है मैं पत्थर हूं लेकिन तुमसे मिलकर अब, कि तू पारस है मैं पत्थर हूं लेकिन तुमसे मिलकर अब धीरे धीरे तेरे जैसा होना सीख रहा। वाह 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 वाह। बस मैं चेक करना चाहता हूं कि आप कौन से कौन से कौन से गियर में चलना चाहते हैं। आप जहां कहेंगे हम वहीं से शुरू हो जाएंगे। माँ बागेश्वरी का आशीर्वाद है भैया। बनारस के जाम में कभी गाड़ी चला के देखिए, पता चल जाएगा कौन सा गियर कब लगाना है। आहा, तो चार पंक्तियां ये पढ़ना चाहता हूं कि कथा कहानी भाव व्यंजना बात पकड़कर चलता हूं। वाह। कि कथा कहानी भाव व्यंजना बात पकड़कर चलता हूं, कविताओं में अक्सर मैं जज्बात पकड़कर चलता हूं। कि कथा कहानी भाव व्यंजना बात पकड़कर चलता हूं,
कविताओं में अक्सर मैं जज्बात पकड़कर चलता हूँ, और जब मुझ में भर जाता है इस दुनिया का एकाकीपन, कि जब मुझ में भर जाता है इस दुनिया का एकाकीपन, बहुत दूर तक सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ कर, बहुत दूर तक बस तुम्हारा हाथ पकड़ कर चलता हूँ। दिल्ली से बनारस तक की यात्रा की है, बस कविता के इस छोटे से दौड़ में 10-15 मिनट आपके बीच हूँ, बस इस हाथ को पकड़े रखिएगा, अपना साथ पकड़े रहिएगा, मैं यहाँ से शुरू होना चाहता हूँ। एक बार आदेशित करिए कि मैं शुरू हो जाऊँ। स्वागत है भैया, स्वागत है, पढ़िए, स्वागत है। अभी बात दमदार कह रहा था पत्नी की, आज मातृ दिवस है, अपने माँ को तो प्रणाम जरूर करिएगा, साथ साथ बच्चों की माँ को जरूर प्रणाम कीजिएगा। मैं कहीं भी कभी सम्मेलन में जाता हूँ साहब, ये काम करके आता हूँ, क्योंकि आपके घर में, इनके घर में, दमदार के घर में, सबके घर में एक मृदुभाषिनी है, आप सबके घर में भी होगी, मेरे घर में भी है साहब। यहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई है, मातृ दिवस का दिन है, चार पंक्तियां माँ के चरणों में पढ़ूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको हंसाना गुदगुदाना चाहता हूँ। चार पंक्तियों में बताना चाहता हूँ कि इस सृष्टि की कोई महिला शाकाहारी नहीं होती। क्या बात है, अब बताएं यहाँ बैठी हुई जितनी महिलाएं हैं, एक बार हाथ उठा के बताएं कितनी शाकाहारी है। देखिए बनारस के घाट पे बैठी हैं, झूठ मत बोलेगा, एक बार हाथ उठा के बताएं कितनी महिलाएं शाकाहारी है। एक फोटोग्राफर साहब फोटो खींचना मैडम की। मैं आगे कुछ मिनटों में साबित करता हूं कि सृष्टि में कोई महिला शाकाहारी हो ही नहीं सकती। आज इस बनारस के इस FM के कार्यक्रम में आने के लिए मैं तैयार हो रहा था, आपकी तरह मेरे घर में भी एक मृदुभाषिनी है, बोली बहुत इतरा रहे हो, कि बहुत इतरा रहे हो, कभी सम्मेलन में जा रहे हो रस्ते में कुछ अनाप शनाप मत खाना, कि बहुत इतरा रहे हो, काशी जा रहे हो रस्ते में कुछ अनाप शनाप मत खाना और अपना धर्म भ्रष्ट मत कराना। मैंने कहा री भाग्यवान तू शाकाहारी हो गई क्या, मैंने कहा री भाग्यवान तू शाकाहारी हो गई क्या। वो बोली मैं तो जन्मजात शाकाहारी हूँ, वो बोली मैं तो जन्मजात शाकाहारी हूँ, बस आपके अत्याचार की मारी हूँ। मैंने कहा री भाग्यवान राम के पहर तो झूठ मत बोले, मैंने कहा री भाग्यवान सुबह सुबह तो झूठ मत बोले, सारा दिन मेरा भेजा खाती है, कि सारा दिन मेरा भेजा खाती है, दिन भर मेरा खून पीती रहती है, और ऐसे में खुद को शाकाहारी कहती है, ऐसे में खुद को शाकाहारी कहती है, ऐसे में खुद को शाकाहारी कहती है। तो ये खून पीने वाली प्रवृत्ति ईश्वर बनाए रखे, उसमें भी अपना आनंद है, मगर हम क्या करें, हम सनातन धर्म वाले लोग पंडित जी फेरे लेते वक्त ही समझा देते हैं कि बेटा सातों जन्म में यही मिलेगी, कोई चक्कर नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं, बाबा भोलेनाथ के दरबार पे जाते हैं, पंडित जी के दरबार पे जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और क्या गुनगुनाते हैं। मैं गुनगुनाना चाहता हूं, आप जुड़िएगा, अपने तालियों की ताल दीजिएगा और मस्ती में झूमिएगा। स्वागत है भैया। क्या कहते हैं कि जिनसे हुई है ये जरा सी भूल बदलिए, जिनसे हुई है ये जरा सी भूल बदलिए, जब तक नहीं बजाएंगे ही गाऊंगा, कि जिनसे हुई है ये जरा सी भूल बदलिए, जिनसे हुई है ये जरा सी भूल बदलिए, जीवन से मेरे धतुरे का ये फूल बदलिए, जीवन से मेरे धतुरे का ये फूल बदलिए, जन्मों जन्म क्यों एक ही बीबी मिले मुझे। कि भोले बाबा से कहूं कि जन्मों जन्म क्यों एक ही बीबी मिले मुझे, ये सात जन्म वाला प्रभु रूल बदलिए, ये सात जन्म वाला प्रभु रूल बदलिए। सब बदलता तो कुछ नहीं है, कुछ लोग दमदार की तरह मान लेते हैं कि घर का मालिक हूं। भाई ब्याह हो जाने के बाद घर का मालिक कुछ भी नहीं कर सकता, यहां तक टीवी का चैनल नहीं बदल सकता साहब। जिनको जिनको फितूर होता है वो क्या कहते हैं कि मालिक हूं घर का। अभी चुनाव होके गुजरा है बनारस से, चुनाव होके गुजरा है, हम लोग भी सोचते हैं कि विवाह पद्धति में भी कोई चुनाव का सिस्टम आ जाए। चुनाव क्या गुजरा भैया, सदमे में कई लोग गुजर गए। तो कुछ लोग कहते हैं कि मालिक हूँ घर का बन के पर रहता हूँ मैं नौकर, मालिक हूँ घर का बन के पर रहता हूँ मैं नौकर, काबिज है मेरे घर में जब से साल की सिस्टर, काबिज है मेरे घर में जब से साल की सिस्टर, अब 5 साल हो गए चुनाव करा दो, कि अब 5 साल हो गए चुनाव करा दो, ताकि बदल लूं मैं भी घर की होम मिनिस्टर, ताकि बदल लूं मैं भी घर की होम मिनिस्टर, ताकि बदल लूं मैं भी घर की होम मिनिस्टर। हम शादीशुदा लोग तो साहब ऐसे ही सोचते रहते हैं, मगर होता कुछ नहीं है, जिंदगी तो जी रहे हैं ये कवारे प्रशांत बजरंगी जैसे। जीवन दरअसल इन्हीं का है, हम शादीशुदा कभी कोई जीना है बनारसी दमदार, कोई जीना नहीं है, ऐसे लोग कसम बता रहे भैया कोई जीना नहीं है। आप मत जाइए, दिल्ली का टिकट कैंसिल करिए, बगल में हरिचंद घाट है। हा हा। तो
हमारे देश में साहब लोग यूं तो कहते रहते कि हम शेर हैं, शेर हैं, शेर तो छोड़िए साहब, अब चीते भी बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं, अगर शेर कौन बचे हैं, ऐसे कुछ शेर बचे हैं, हम जैसे तो कभी शेर थे, बाद में हमारी शादी हो गई। कि यूं तो हमारे देश में अब शेर चंद हैं, यूं तो हमारे देश में अब शेर चंद हैं, शादी से जितने बच गए सब अक्लमंद हैं, शादी से जितने बच गए सब अक्लमंद हैं, जितने कवारे बच गए जंगल में मस्त हैं, जितने कवारे बच गए जंगल में मस्त हैं, जो फंस गए वो बीबी के पिंजरे में बंद, जो फंस गए वो बीबी के पिंजरे में बंद हैं। भैया ये तो शादी के बाद वो शेरे हैं, अंतर यही है कि इतने शेर हो गए गुरु गुरु। हाँ। अंतर यही है कि शादी के बाद शेर पे महिषासुर मर्दनी सवार हो गई है। एक दिन जोश में आ गए डॉक्टर साहब प्रशांत जी, जोश में आ गए और कहने लगे कि बीबी को अपनी छोड़ के निष्काम हो जाऊं। देखिएगा प्रोफेसर साहब क्या कह रहे थे कि बीबी को अपनी छोड़ के निष्काम हो जाऊं, तू थाम मेरा हाथ के बदनाम हो जाऊं, तू थाम मेरा हाथ के बदनाम हो जाऊं, तू सुर्पनखा बन के मेरी जिंदगी में आ, कि तू सुर्पनखा बन के मेरी जिंदगी में आ, कटवा के तेरी नाक में भी राम हो जाऊं, कटवा के तेरी नाक में भी राम हो जाऊं। साहब वो भी सरकारी कर्मचारी, मैं भी सरकारी कर्मचारी, हमारे साथ बड़ी जाती होती है, दफ्तर में अफसर और घर में साले की सिस्टर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शादी हुई है तो राम बन रहे हैं, नहीं हुई होती तो आसाराम भी बन सकते थे। तो हम सरकारी कर्मचारियों के साथ बहुत समस्या है दमदार, कि घर में साले की सिस्टर और दफ्तर में अफसर के बीच जूझना पड़ता है। चार पंक्ति और सुनिएगा, फिर आनंदित होइएगा, हलादित होइएगा, स्वागत। चार पंक्तियां ये सुनिएगा कि जब पत्नी पे बहुत इधर उधर का लिख लिखा ले तो हाँ, चार पंक्तियां ये सुनिए कि अफसर मजे में हो न हो दफ्तर मजे में हो, हम सरकारी कर्मचारियों को क्या किन समस्याओं से जूझना पड़ता है, कि अफसर मजे में हो न हो दफ्तर मजे में हो, सबको गरज है साले की सिस्टर मजे में हो, सबको गरज है साले की सिस्टर मजे में हो, हम सबको ये तरकीब ही सिखाने आए हैं, हम सबको ये तरकीब ही सिखाने आए हैं, कि बीबी से पिट के कैसे कोई सोहर मजे में हो, बीबी से पिट के कैसे कोई सोहर मजे में हो। साहब मंचों पे जाता हूँ, पत्नी पे कविताएं सुनाता हूँ, बहुत बार खतरा रहता है कि घर जाऊं तो रोटी मिल जाए, मगर मैं एक चालाकी जरूर करता हूँ, दिल्ली ने ये सिखाया है कि सुनिए हुजूर आपको मैं सच बताता हूँ, सुनिए हुजूर आपको मैं सच बताता हूँ, मंचों पे जाके किस तरह मैं रंग जमाता हूँ, मंचों पे जाके किस तरह मैं रंग जमाता हूँ, कविता सुनाने जब भी मैं जाता हूँ दोस्तों, कि कविता सुनाने जब भी मैं जाता हूँ दोस्तों, पत्नी के अपनी पाँव में छू करके आता हूँ, पत्नी के अपनी पाँव में छू करके आता हूँ। संस्कारी पति हैं आप, संस्कारी पति हैं। एक बार ऐसा लग रहा है कि लोग सत्यनारायण की कथा में गुम हो गए, मातृ दिवस का मौका है, मैं गियर बदलना चाहता हूँ, यहाँ से चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, बहुत सारी मातृ स्वरूपा लोग यहाँ बैठी है, मैंने आज चार पंक्तियां लिखी माँ के लिए, ये लिखी चार पंक्तियां, मैंने कहा चार पंक्तियां ये कही कि दर्द में तकलीफ में भी मुस्कुराने का हुनर, तिनका तिनका जोड़ करके घर चलाने का हुनर, कि दर्द में तकलीफ में भी मुस्कुराने का हुनर, तिनका तिनका जोड़ करके घर चलाने का हुनर, रूठ जाने का हुनर तो जानते हैं लोग सब, कि रूठ रूठ जाने का हुनर तो जानते हैं लोग सब, माँ से बेहतर कौन जानेगा मनाने का हुनर, माँ से बेहतर कौन जानेगा मनाने का हुनर। और मातृ दिवस है, अपने अपनी माँ के नाम एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं बच्चों के नाम, माँ के नाम बहुत कुछ पढ़ लिया, चार मिसरे अभी दमदार भाई कुछ कह रहा था, मनीष भैया ऐसे हैं, शायर हैं, ये करते हैं वो करते हैं, प्रेम में जब मनीष भैया समेटना, हाँ दो तीन मिनट में समेट रहा हूँ, कि प्रेम में जब तोहमत लगे तो घबराना नहीं चाहिए, मगर हमारी जो ये युवा पीढ़ी सामने बैठी है, मैं जहाँ भी कवि सम्मेलनों में जाता हूँ दो चार मुक्तक सुना के आता हूँ, क्योंकि एक वैलेंटाइन नाम का त्यौहार हमारे ऊपर थोप दिया गया,
हमारे बच्चों को ये सिखाया जाने लगा, हमारे बच्चों को ये सिखाया जाने लगा कि किसी का देह पालो, किसी का बदन पालो, किसी का जिस्म पालो, उसे प्यार कहते हैं। मगर हम सनातनी संस्कृति के लोग, जहाँ भगवान कृष्ण राधा के सनातनी प्रेम को प्रेम समझते थे, ऐसे में हमारे बच्चों को जब ऐसा सिखाया जाने लगा तो मेरे जैसे कवि को कुछ लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा। चार मिसरों में आपसे जुड़ना चाहता हूँ, दो तीन मुक्तक और बस आपके बीच से विदा चाहता हूँ। मैंने कहा उन तमाम लोगों को जो देह बदन और जिस्म में हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि प्रेम को टटोलिए, वहाँ से कुछ गजल के शेर पढ़ना चाहता हूँ, कि शेर आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मैंने कहा कि हर एक दस्तार से आगे, हर एक किरदार से आगे, नदी से, मौज से, लहरों से और पतवार से आगे, कि हर एक दस्तार से आगे, हर एक किरदार से आगे, नदी से, मौज से, लहरों से और पतवार से आगे, मोहब्बत की कहानी को बदन में ढूंढने वालों, कि मोहब्बत की कहानी को बदन में ढूंढने वालों, मोहब्बत पाओगे तुम देह की दीवार से आए है, मोहब्बत पाओगे तुम देह की दीवार से आगे। मैंने कहा कि बदन की आग में एक मतला एक शेर ये भी सुने कि बदन की आग में अंतस जलाकर क्या करूंगा, मैं खुद को अपनी नजरों से गिराकर क्या करूंगा, कि मैं खुद को अपनी नजरों से गिराकर क्या करूंगा, और मैं जिसकी रूह की तह में उतरना चाहता हूँ, कि मैं जिसकी रूह की तह में उतरना चाहता हूँ, तुम्हें बतलाओ उसका जिस्म पाकर क्या करूंगा, तुम्हें बतलाओ उसका जिस्म पाकर क्या करूंगा। चार अंतिम मिसरे ये सुने, मैंने कहा कि बदन पर तुम लपेटे गर हवस के तार जाओगे, लखन की खींची हुई रेखाओं के जो पार जाओगे, कि बदन पर तुम लपेटे गर हवस के तार जाओगे, लखन की खींची हुई रेखाओं के जो पार जाओगे, और अधम से तुम हरण सीता का कर तो लाओगे रावण, कि अधम से तुम हरण सीता का कर तो लाओगे रावण, धर्म से सामना होगा तो लंका हार जाओगे, धर्म से सामना होगा तो लंका हार जाओगे, धर्म से सामना होगा तो लंका हार जाओगे। हम कवियों की थाती होती है दर्द, कसक, पीड़ा, बेचैनी, और कविता जिंदाबाद रहे, इन चार पंक्तियों के साथ बात खत्म करना चाहता हूँ कि दर्द, कसक, पीड़ा, बेचैनी से अपना दिल साथ रहे, कि दर्द, कसक, पीड़ा, बेचैनी से अपना दिल साथ रहे, प्यार, वफा, उम्मीद का मौसम हरदम ही आबाद रहे, कि दर्द, कसक, पीड़ा, बेचैनी से अपना दिल साध रहे, प्यार, वफा, उम्मीद का मौसम हरदम ही आबाद रहे, तो गीत, गजल, कविता, चौपाई से कवियों का जीवन है, तो गीत, गजल, कविता, चौपाई से कवियों का जीवन है, तो कविता जिंदाबाद रही है, कविता जिंदाबाद रहे, कविता जिंदाबाद। एक बार जरा विदाई की तालियां दे दीजिए, पुरजोर तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद।